Hello friends, welcome to my channel Anubhav, my cooking experience. आज हम बनाएंगे पालक पनीर. बहुत ही अच्छी सब्जी होती है ये. इसके लिए हमने ये 250 ग्राम पालक लिया है. इसे साफ करके और रफली चॉप किया है और इसे धो लेना है, अच्छे से वॉश कर लेना है रनिंग वाटर में और ड्रेन करके और इसे एक साइड आप रख लीजिए. और ये 200 ग्राम पनीर लिया है कॉटेज चीज़, और इसे जो है क्यूब्स में काट लिया है, अपने बाइट साइज़ के क्यूब मैंने बनाए हैं. और ये 1 कप प्याज है, फाइनली चॉप्ड अनियन है, और ये 1 कप ही टमाटो प्यूरी है, फ्रेश टमाटो प्यूरी है ये. और ये है 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच जीरा और अजवाइन तड़के के लिए, और ये है कसूरी मेथी, 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी है, और 1 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर है, धनिया का पाउडर, आधा चम्मच नमक है, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लें आप, और ये 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा है, खाने का सोडा जिसे बोलते हैं ये है, और ये 2 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम है, और ये है 1 नींबू, 1 नींबू का रस डालेंगे हम, और 2 हरी मिर्च ली है मैंने, ये बड़ी वाली ली है, लेस स्पाइसी वाली है, और इनका पेस्ट जो है मैंने टमाटर की प्यूरी के साथ ही बना लिया था. आप जैसे भी आपको पसंद हो आप वैसे ही करें. अगर आप ज़्यादा स्पाइसी वाली मिर्च चाहिए तो आप ज़्यादा स्पाइसी वाली लें. और हम अब पालक को ब्लांच करेंगे. ब्लांच करने से ग्रीन वेजिटेबल्स का कलर जो है बहुत अच्छा ग्रीन कलर मेंटेन हो जाता है. इसके लिए हम एक पतीला ले लेंगे, बड़ा पतीला जिसमें पालक आसानी से आ जाए, और पानी लेंगे, 2.5-3 गिलास पानी लेकर उबाल लेंगे. ये देखिए, ये मैंने पानी उबाल लिया है एक पतीले में. इतना ही बड़ा आपको पतीला लेना है जिसमें कि पालक भी आसानी से आ जाए, और पानी उतना लेना है जिसमें कि वो अच्छे से डूब जाए. ये पानी उबलने लगा है, अब हम इसमें अपना सारा पालक जो है वो डाल देंगे. ये देखिए, इस तरीके से सारा पालक इसमें डाल दीजिए. अब आप इसको सिर्फ 1 मिनट के लिए ही गैस को ऑन रखना है, और फिर गैस बंद कर देनी है. गैस बंद करके और इसे हम 3-4 मिनट के लिए रखेंगे. देखिए, ग्रीन वेजिटेबल्स को कभी भी ढककर नहीं पकाना चाहिए, और ना ही उन्हें ज़्यादा देर तक पकाना चाहिए. ढककर पकाने से उनका ग्रीन कलर खराब हो जाएगा, और ज़्यादा देर पकाने से उनके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सब खत्म हो जाएंगे. इसलिए इन्हें कम पकाइए और खुले में पकाइए. और अब हम इसमें बेकिंग सोडा, जो हमने 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा लेके रखा था, वो डाल देंगे. इस बेकिंग सोडा डालने से इसका जो कलर है ग्रीन कलर, वो बहुत अच्छा ग्रीन कलर मेंटेन रहेगा. वैसे बेकिंग सोडा को आप जब पानी बॉईल होने लगे तब भी डाल सकते हैं. देखिए, अब हम इसे, गैस को हमने बंद कर दिया है, और अब हम इसे 3-4 मिनट्स जो है ऐसे ही रख देंगे और ढकेंगे नहीं, और उसके बाद हम इसे ठंडे पानी में निकालेंगे. देखिए, 3-4 मिनट हो गए हैं, हमारा पालक जो है गर्म पानी में रखा हुआ था, ये मैंने ठंडा पानी लिया है, आइस कोल्ड वाटर लिया है मैंने, आप रनिंग वाटर में भी कर सकते हैं. ये देखिए, ये मैंने इसमें आइस डाल रखी है. आप चाहें तो इसे एक स्ट्रेनर रखकर और रनिंग वाटर के नीचे रखकर भी उसमें निकाल सकते हैं. अब इसे सारे पालक को इसमें निकालिए, और इसमें आपको 2-3 मिनट रखना है, ज़्यादा देर नहीं रखना है. और 2-3 मिनट के बाद आप इसे इसमें से भी स्ट्रेन कर लेना, सारा पानी ड्रेन कर देना इसका, और इसकी प्यूरी तैयार कर लेना, ब्लेंडर में डालकर प्यूरी तैयार कर लेना. ये मैंने कढ़ाई ली है, और इसमें 2 चम्मच तेल गरम कर लिया है. अब हम इसमें जीरा और अपनी अजवाइन डाल दिए, और इसे हम ब्राउन होने तक, लाइट ब्राउन होने तक जो है भून लेंगे. ये देखिए, लाइट ब्राउन हो गया है. अब हम इसमें हमारे अनियंस डाल देते हैं. इन्हें हम 2-3 मिनट तक भूनेंगे, जब तक ये थोड़ा सा कलर जो है पिंकिश नहीं हो जाता, शाइनी कलर नहीं हो जाता, इतना ही भूनना है. ये देखिए, इस तरीके से इसका कलर चेंज हो गया है, पिंकिश हो गया है. अब हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे. ये हमारा जिंजर गार्लिक पेस्ट इसमें ऐड कर दिया है. इसे अच्छे से मिक्स करना है, और गैस को फुल पर रखते हुए ही आपको इसे कंटिन्यूसली स्टर करते हुए, लगातार हिलाते हुए इन्हें भूनना है, जब तक कि ये ब्राउन नहीं हो जाते. ये देखिए, ब्राउन हो गए हैं हमारे प्याज और जिंजर गार्लिक. अब हम इसमें हमारी टमाटो प्यूरी, और इसमें हमने हरी मिर्च का पेस्ट इसके अंदर साथ ही बना लिया था, ग्रीन चिलीज को हमने साथ ही इसमें पेस्ट बना लिया था. अब हम इसे इसी तरीके से भूनते रहेंगे, लगातार हिलाते हुए, जब तक कि ये अपना ऑयल रिलीज नहीं कर देते, तेल नहीं छोड़ देता मसाला, तब तक हम इसे भूनते रहेंगे. ये देखिए, ये हमारा मसाला भून गया है, इसने तेल छोड़ दिया है. और अब हम इसमें, ये हमारा नमक,
अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले, मैंने आधा चम्मच लिया है, और ये धनिया पाउडर, और ये हमारा गरम मसाला डाल दिया है। इसे अच्छे से मिक्स कीजिए इस तरीके से। और अब हम इसमें हमारी प्यूरी, पालक की प्यूरी, ये देखिए कितना अच्छा ग्रीन कलर आया है इसका, ये हमने तैयार कर ली थी। आप इसमें कम से कम पानी यूज करते हुए टमाटो प्यूरी तैयार कीजिए, जितना रिक्वायरमेंट हो उतना ही पानी डालिएगा। और ये हमने इसमें टमाटो प्यूरी जो है इसमें डाल दी है, इस तरीके से इसे मिक्स कीजिए। अगर आपकी टमाटो प्यूरी जो है ज़्यादा ठीक है तो आप पानी डाल सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छा ग्रीन कलर आया है इसका। मैंने इसमें पानी यूज नहीं किया है क्योंकि प्यूरी पहले से ही काफ़ी पतली थी। ये हमने अपना पनीर इसमें डाल दिया है, इसे मिक्स कीजिए। और मिक्स करके आप इसे 2 मिनट्स का बॉईल दीजिए बस, ज़्यादा नहीं कर पकाना है क्योंकि ज़्यादा पकाने से इसके न्यूट्रिएंट्स जो है ख़त्म हो जाएंगे और कलर भी इसका ग्रीन कलर जो है ख़राब हो जाएगा। ये देखिए कितना अच्छा कलर है। आप इसमें सॉल्ट टेस्ट कीजिए और सीजनिंग को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कीजिए। ये देखिए हमारा 2 मिनट से हमारा पनीर जो है, ये पालक पनीर पक रहा था। अब हम इसमें लेमन जूस, 2 टीस्पून लेमन जूस जो है हमने डाला है इसमें, ये डाल दीजिए। और साथ में कसूरी मेथी, ये कसूरी मेथी डाल दीजिए। अगर आपकी बड़ी बड़ी है तो आप इसे क्रश कर लेना। इसे अच्छे से मिक्स कीजिए और आधा मिनट या 1 मिनट तक बस और थोड़ा सा पकने दीजिए। देखिए इस तरीके से हमारा पालक पनीर बन रहा है। ये कितना अच्छा कलर है इसका। और ये हमारा है क्रीम, 2 चम्मच है ये, 2 टेबलस्पून। आप इसमें आधी अब डाल दीजिए, आधी गार्निश के लिए रख लेंगे। इससे इसका टेस्ट और टेक्सचर दोनों ही बहुत अच्छा हो जाएगा, टेस्ट भी बढ़ जाएगा और टेक्सचर भी बहुत स्मूथ टेक्सचर हो जाएगा सब्जी का, हमारे पालक पनीर का। इसे मिक्स कीजिए, 1 मिनट तक कुक कीजिए। बस ज़्यादा देर नहीं करना है और हमारा ये पालक पनीर तैयार है। आप क्रीम को स्किप भी कर सकते हैं, अगर ना डालना चाहें तो आप इसे मत डालिए। ये देखिए हमारा पालक पनीर बनकर तैयार है। सुपर टेस्टी एंड हेल्दी वेजिटेबल है ये, फुल ऑफ फाइबर एंड आयरन होती है पालक, और पनीर फुल ऑफ कैल्शियम होता है। इसे आप कभी भी सर्व कर सकते हैं, ये मेन कोर्स डिश है। इसे लंच में, डिनर में कभी भी सर्व कीजिए, रोटी के साथ, नान के साथ, पूरी के साथ, पराठे के साथ, चपाती के साथ, राइस के साथ, जैसे भी आपको पसंद हो आप इसे सर्व कीजिए, खाइए, खिलाइए और इंजॉय कीजिए। आई होप आपको मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, इसलिए आप इसे लाइक जरूर करें, इसे अपनी प्लेलिस्ट में ऐड करें, इसे दूसरों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बिकॉज योर सब्सक्रिप्शन इज माई इंस्पिरेशन। अब जल्दी ही हम फिर मिलते हैं अपने किसी नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।